की किसी भी सूरत में नहीं करेंगे सरेंडर। मारियापुर से सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। रूस ने दिया था सरेंडर का अल्टीमेटम, लेकिन अल्टीमेटम के बावजूद ज़ेलेंस्की का संकेत वो नहीं झुकेंगे, वो किसी भी सूरत में घुटने पे नहीं आएंगे। यूक्रेनी सेना भी सरेंडर नहीं करने वाली है, युद्ध के मैदान में डटी हुई है और आने वाले दिनों में और भी युद्ध की भयावह तस्वीरें देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोई भी झुकने को तैयार नहीं। लेकिन इस बीच युद्ध के 26वें दिन आज 5वें दौर की बातचीत होगी और 5वें दौर की बातचीत से क्या कोई रास्ता निकलेगा, क्या कोई विकल्प तैयार होगा, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तस्वीरों के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मिसाइल हमले में किस तरीके से यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। यूक्रेन के लुहांस्क में रूस ने जबरदस्त गोलाबारी की है। रूस के इस हमले में लुहांस्क में एक इमारत में भीषण आग लग गई। इस हमले की खबर मिलने से राहत बचाव का काम शुरू हो चुका है। वहीं इस हमले में 2 लोगों के घायल होने की भी खबर है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा चुका है। और ये रेस्क्यू के वक्त की तस्वीरें हैं, जहां पे चुनौती सबसे ज्यादा रेस्क्यू करने वाली टीम के सामने थी। राजधानी क्यू की हम बात करेंगे। इस वक्त क्यू पर रूसी सेना के बरसते कहर का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन यूक्रेन के जाबाज क्यू के किले को ना सिर्फ बचा रहे हैं, बल्कि क्यू पर रूसी सेना के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। कीव का किला कीव पर भीषण प्रहार, फिर भी रूस नाकाम। कब्जे की जंग हुई तेज, कीव के लड़ाके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस हकीकत से अनजान नहीं है कि भले ही रूसी फौज पूरे यूक्रेन पर कब्जा जमा ले, लेकिन जब तक वो कीव पर अपना परचम नहीं लहरा देती, तब तक उनकी जीत अधूरी है। लिहाजा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी कीव को बचाने की जंग जारी रखे हुए हैं। रूसी फौज पहले ही दिन से यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए बेकरार थी, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ भी व्लादिमीर पुतिन का कीव पर कब्जे का मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा है। कीव पर रूसी फौज हर रोज कहर बरसा रही है। आलम यह है कि शहर के कई हिस्सों से रूसी बमबारी के बाद काले धुएं का गुबार उठता दिख रहा है, कुछ इस कदर कि क्षितिज पर ठहरा सूरज भी इसके पीछे छिपा नजर आता है। आज की तारीख में यूक्रेन की राजधानी कीव एक शहर कम और एक किला ज्यादा नजर आ रहा है, एक ऐसा किला जिसे ढहाने में अभी तक रूसी फौज नाकाम रही है। भले ही रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने भी शहर में अपनी मोर्चाबंदी के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। शहर की सड़कों, चौराहों और गलियों में चारों तरफ बंकर और उनमें मुस्तैदी से कीव की हिफाजत में तैनात यूक्रेन के फौजी नजर आ रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र का बड़ा दावा, यूक्रेन युद्ध में 900 लोगों की मौत हो चुकी है, 900 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये वो 900 लोग हैं जो कि सुकून से जिंदा रह सकते थे, लेकिन 26 दिनों के युद्ध ने इनकी जान पे अब बना दिया और फिलहाल इनकी दावा है संयुक्त राष्ट्र का, उनका दावा है कि 900 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा
और देशों की तरफ से या और मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ ज्यादा ही है, लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर जो इस वक्त संयुक्त राष्ट्र का दावा है वो 900 लोगों की मौत का आंकड़ा, और इस बीच ये जो तस्वीरें एक एक करके हम आपको पूरे दिन दिखा रहे हैं वो युद्ध के बाद की तबाही की तस्वीरें, पांचवें दिन की बातचीत, लेकिन क्या बातचीत से हल निकलेगा ये सवाल अब जहन में तो सबके है, लेकिन जवाब भी बहुत हद तक सबको मालूम है। और एक और बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई, चीन में बड़ा विमान हादसा हुआ। दरअसल ये एक और अगली खबर है जहां विमान में 133 लोग सवार थे और कुनमिंग से ग्वांगझू जा रहा था ये विमान। विमान के पहाड़ से टकराने की आशंका जाहिर की जा रही है। टकराने के बाद विमान में आग लग गई। अभी हालांकि 133 लोगों के बारे में कुछ ऐसी जानकारी निकलकर नहीं सामने आई है, लेकिन इंतजार सभी को है कि ये लोग सुरक्षित हों, ये 133 लोग जो हैं वो बच गए हों, उनका रेस्क्यू किया जा रहा हो। पहाड़ी इलाके में कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है इसके लिए थोड़ा हमें वेट करना होगा। लेकिन जो चीन से निकलकर खबर आ रही है कि एक विमान जिसमें 133 लोग सवार थे वो विमान पहाड़ से टकरा गया, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है, शक गहरा चुका है। और ये देखिए जहां पे विमान गिरा है वहां की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर इस लिहाज से क्योंकि ये विमान एक दो नहीं बल्कि 133 लोगों को लेकर उड़ान भर रहा था। फिलहाल ऐसी खबर है कि अब ये गिर चुका है और गिरने के बाद टकराने के बाद पहाड़ से टकराने के बाद इसमें आग भी लग चुकी है और आग लगने के बाद ये धुएं की स्थिति, फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको चीन से दिखा रहे हैं। चीन की ये घटना है और कहा ये जा रहा है, आशंका ये जाहिर की जा रही है कि इस विमान में गिरने के बाद आग लगी है। ये टॉप एंगल से तस्वीरें इस बीच ली गई है। अब हालांकि इनपुट्स धीरे धीरे मिलने शुरू होंगे कि आखिर मौसम वजह रही या ये पहाड़ी रास्ते क्या अपने रूट से जो हवाई रूट होता है उससे ये विमान भटक गया, कुछ पायलट को आइडिया नहीं लग पा रहा था, कुछ ऐसी बातें निकलकर अब सामने आएगी क्योंकि दुनिया के इतिहास में हमने एक के बाद एक कई ऐसे विमान हादसे देखे हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी जो परेशानी है इस वक्त ये खबर कि इस विमान में एक दो नहीं 133 लोग सवार थे और क्या 133 लोग सुरक्षित हैं, ये जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं सबसे ज्यादा उन्हें भी यही बात परेशान कर रही होगी। और कुछ ही देर में ये इनपुट्स ये जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे या अपडेट करेंगे कि 133 लोग किस स्थिति में हैं। फिलहाल क्या इस जगह पे आनन फानन में रेस्क्यू टीम को लैंड किया गया है क्योंकि जो इलाका दिख रहा है वो बहुत ही दुर्गम इलाका पहाड़ी इलाका है, वहां तक पहुंचना वहां तक चौपर को भी लैंड कराने में दिक्कतें आ सकती है जिस तरीके से वो एरिया दिख रहा है आपको, तो चुनौती बहुत बड़ी है। लेकिन इस बीच उम्मीद हम फिर भी कर सकते हैं कि ये 133 लोग जो हैं जो इसमें सवार थे जो इस विमान में सफर कर रहे थे वो सब महफूज हो, वो सभी सुरक्षित हो। लेकिन इस बीच एक जो तस्वीर सामने आई है नीरज, इस वक्त सबको यही जानना है कि 133 लोग किस हाल में हैं, थोड़ा इंतजार क्या और करना होगा इनके हालत के बारे में जानने के लिए? देखिए इस तरह के हादसे में ये आशंका जरूर होती है कि ज्यादातर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी होगी, लेकिन बहुत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस तरह के हादसे से भी बच के निकलते। पहाड़ी इलाके में ये पूरा हादसा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है जो हमें जानकारी मिली, लेकिन कहाँ तक रेस्क्यू टीम पहुंची है, किस स्तर पे वो है कि कितने लोगों को निकाल सके, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके से लोगों को निकालना बहुत मुश्किल होता है। सदर्न चाइना के जिस हिस्से में ये दुर्घटना हुई है वहां पहुंचना भी बहुत कठिन होता है, लेकिन जो वहां की मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है। हमें थोड़ा इंतजार बिल्कुल करना होगा कि कितने लोगों की मौत इस हादसे में हुई है, 133 लोग जरूर सवार थे, कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, कितने लोग बचे हैं इस हादसे में, इसके लिए थोड़ा इंतजार। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इस तरह के हादसे में इसकी उम्मीद और आशंका जो रहती है कि ज्यादातर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी वो आशंका ज्यादातर मामलों में सच साबित होती है, लेकिन यही प्रार्थना कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस हादसे से बच के निकले। जी बिल्कुल उम्मीद हम यही कर रहे हैं। नीरज मैं अगला सवाल लूं, उससे पहले दर्शकों को एक बार फिर से जरा दिखा दूं ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर पहाड़ी इलाके से, यानी कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें जरूर पायलट के सामने आई होगी, चुनौती सामने आई होगी जिसके वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी उन तक पहुंच रही है चीन के हवाले से। नीरज मुझे आपसे ये जानना है कि क्या कुछ भी इस एंगल से पता चल पा रहा है कि क्या पायलट के सामने चुनौती थी, क्या पहाड़ी इलाके या जो रूट
था विमान का, उससे भटक जाना और उसके वजह से ये बड़ा हादसा। देखिए, एक जानकारी जरूर आ रही है वहां के मीडिया रिपोर्ट से, तक क्या कारण रहा, किस वजह से दुर्घटना हुई, ये जानकारी तो नहीं है अब तक आई है एग्जैक्ट, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इस तरह के बड़े हादसे में आप तुरंत बता नहीं सकते कि हादसा क्यों हुआ, लेकिन एक जो वहां के मीडिया रिपोर्ट में आई है कि 2 मिनट के अंदर सीधे बहुत ऊंचाई से बहुत नीचे विमान गिर गया, यानी 30,000 फीट या इस तरह का एक आंकड़ा जो वहां के मीडिया रिपोर्ट में सामने आया है कि 2 मिनट के अंदर विमान जो है वो इस तरह से गिरा है उस पहाड़ी इलाके में और उसी के बाद ये हादसा हो गया। तो तकनीकी खराबी तो आई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन क्यों हुआ ये हादसा, क्या वहां का वेदर कंडीशन खराब था या बाकी कुछ वजह से यह हादसा हुआ, पायलट की गलती से कोई हादसा हुआ, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 133 लोग जो सवार थे उनमें से कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग बच सकते हैं, क्योंकि उतनी ऊंचाई से गिर गए। नीरज, मैं एक बार फिर आपको रोकती हूँ, जरा फिर से तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखा दूं। इस वक्त ये ताजा तस्वीरें हैं और इस विमान के कैसे परखच्चे उड़े हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है सबको, हम सबको उम्मीद है कि लोगों की जान पे नहीं बनी हो, लोग सुरक्षित यहाँ से बाहर निकल जाए अभी हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इस बीच ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये भयावह तस्वीरें हैं इस लिहाज से क्योंकि एकदम दुर्गम इलाके में, एकदम पहाड़ी इलाके में इस विमान का जाके गिरना, और जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं नीरज, उनके पास जो रिपोर्ट्स पहुंची है कि सीधे 30,000 फीट से नीचे, आप समझ सकते हैं अगर इस रफ्तार से कोई विमान गिरे तो सीधे जान पे बने, जो हम नहीं कहना चाहते हैं वो कहना पड़ रहा है क्योंकि वो जो भयावह स्थिति है उसको देखकर। लेकिन फिर मैं अपने दर्शकों के सामने दोहराऊंगी कि सबकी दुआओं का असर हो और ये लोग सुरक्षित यहां से निकले। फिर मैं नीरज के पास जाती हूं। नीरज, एक तस्वीर हम आप दर्शकों को दिखा रहे हैं और जिस तस्वीर में सीधे सीधे वो जो विमान है उसके तमाम पार्ट्स दिख रहे हैं। अब देखिए, जो एक रिपोर्ट और आई है वो आप तस्वीरों में दिख रही है, पहाड़ से जाकर टकराया है, उसके बाद धुआं उठा है, बहुत गुब्बार उठा है धुएं का। एक और खबर आई है कि जो अंतिम तौर पे ट्रैक किया गया था, जिस एल्टीट्यूड पे, जिस ऊंचाई पे ट्रैक किया गया था विमान को, वो 3225 फीट की ऊंचाई पे, यानी नीचे से 3225 फीट की ऊंचाई पे उसे ट्रैक किया गया था, जो एक खबर आई है। उसको विमान को लैंड करना था 3:05 अपने जो नेक्स्ट स्टॉप था, लेकिन उससे पहले ही यह विमान हादसे का शिकार हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताया कि उसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन फिर बता दें कि अब तक ये पता नहीं चला है कि कितने लोगों की कैजुअल्टी हुई है। आशंका यही जताई जा रही है कि इस तरह के हादसे में ज्यादातर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, लेकिन अभी जो भी आंकड़े अब तक आधिकारिक तौर पे आए हैं उसमें कोई भी नंबर हम नहीं बता सकते। आशंका भले जता सकते हैं लेकिन नंबर बताना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन ग्वांझोउ के पास ये पूरा हादसा हुआ, सदर्न चाइना का हिस्सा है, पहाड़ी इलाका है, वहां ये विमान लगातार हमारे साथ बने रही है और इस बीच हम आपसे रिपोर्ट्स जानेंगे। लेकिन अब मैप के जरिए हम अपने दर्शकों को बता दें कि कहां पे क्या स्थिति है और ये प्लेन कैसे मूव कर रहा था और कहां इसके हादसे के शिकार होने की खबर सामने आ रही है। ये चीन का मैप और उसमें जो लोकेशन था, यानी जो डेस्टिनेशन पॉइंट था, वहां जाने से तकरीबन 1 घंटे पहले ही हादसे का शिकार ये विमान, जिसमें 133 लोगों के सवार होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। कुनमिंग वो इलाका, वहां से जाना कहां था ये भी हम आपको मैप में बता रहे हैं। और उस लोकेशन से, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, 3:05 पे लैंड होना था, लेकिन उससे पहले, ग्वांझोउ जाने से पहले ही ये विमान हादसे का शिकार। इस बीच जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें ये बताती हैं कि ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। क्या मौसम के असर की वजह से, क्या रूट डाइवर्ट होने की वजह से, क्या पीछे इसके वजह रही है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार इसलिए भी करना होगा क्योंकि ये चीन है। यहाँ से खबरें बहुत लेयर्स के बाद छनके आती है सामने, तो हो सकता है कि चीन उस तरीके से रिपोर्ट्स साझा भी ना करे दूसरे देशों से। लेकिन अभी तक जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक विमान हादसे का शिकार, और इसमें कितने लोग सवार थे, 133 लोग, और लोकेशन पॉइंट क्या है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुनमिंग से इस विमान ने उड़ान भरी, जाना कहां था, ग्वांगंजू जाना था, और उससे तकरीबन 1 घंटे पहले ही जो एक लोकेशन आता है वहां पे बहुत ही तेजी से रफ्तार से, जो रफ्तार के बारे में एक्सपर्ट्स ही बता पाएंगे कि अगर ऐसी रफ्तार हो, 30,000 किलोमीटर की रफ्तार हो अगर नीचे जाने की, तो ये हादसा कितना भयावह, कितना बड़ा हो सकता है। ये टीवी स्क्रीन की आपकी तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर है, ये हम आपको चीन से तस्वीर दिखा रहे हैं। ये चीन की तस्वीर है और चीन में जहां पे ये विमान हादसे का शिकार, वहां की तस्वीरें कुछ ही देर में
विमान के परखच्चे उड़ चुके हैं, जो ये आप सफेद धुएं का गुबार देख रहे हैं वो जलने के बाद, और ये हादसे के वक्त की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे हादसे के बाद जो कुछ लोग पहुंचे हैं उनके पहुंचने के बाद ये तस्वीरें आप देखिए, जो विमान के तमाम पार्ट्स हैं वो अलग अलग नजर आ रहे हैं, यानी पहाड़ से ये विमान टकराता है, टकराने के बाद सीधे जमीन पे, और जमीन पे गिरने के बाद अब उन लोगों की क्या स्थिति है जो इस विमान में सवार थे, जिनकी संख्या हम बार बार आपको बता रहे हैं कि एक दो नहीं 133 लोग इसमें मौजूद थे। ये 133 लोग किस तरीके से, किस हालत में है, इस पे सबकी निगाहें बनी हुई है, और हम सब चाहते हैं कि कुछ राहत भरी खबर वहां से निकलकर सामने आए और उस खबर के जरिए मालूम हो कि ये सभी लोग सुरक्षित है, क्योंकि जो लोकेशन है वहां पे पहुंचना, वहां पे रेस्क्यू टीम का जल्द से जल्द पहुंचना और रेस्क्यू करना और वहां से फिर लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना अगर कुछ लोग घायल हो तो, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और चुनौती के सामने अब फिलहाल इस बीच हम तस्वीरें भी तो दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीर देखिए फिर से मैं ब्रीफ करूं आपके सामने। पहली तस्वीर जहां पहाड़ से ये विमान टकराने की तस्वीर और उसके बाद क्या हालात बन गए, और कुछ देर बाद की तस्वीर जब वहां पे लोग पहुंचते हैं और उन्होंने कुछ वीडियोस जो शेयर किया है वहां से उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी बहुत क्लियर तस्वीर वहां से निकलकर वैसे भी नहीं आ रही है, लेकिन जो ये शुरुआती दो तस्वीर है उससे ही संकेत में आप बहुत कुछ समझ सकते हैं जो इस हमले के बारे, माफ कीजिएगा, इस दुर्घटना के बारे में अभी कोई कुछ नहीं बता रहा है। पहाड़ से टकराने की ये विमान की तस्वीर पहली तस्वीर है जो कि न्यूज 18 पर सिर्फ आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है, और हादसे के बाद की तस्वीर यानी जो कुछ लोग वहां पे स्थानीय लोग पहुंचे हुए हैं उन्हीं के तरफ से ये जो विजुअल है, ये जो तस्वीरें हैं वो हम सबसे शेयर किया गया है। अप्पा जी मैं तो पहुंच गया, आप कहाँ हैं? चाय वही, जगह वही, कैनॉट प्लेस। भैया जी कहें शाम 6 बजे, इंतजार आपका। शाम 6 बजे भैया जी कहें। यूक्रेन की सेना ने जारी किया, इसी तरह यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में भी यूक्रेन ने रूस की फौज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने रूसी फौज की 2 लड़ाकू गाड़ियों में आग लगा दी, जिनसे बाद में भयानक धुआं उठता दिखाई दिया। यूक्रेन की सेना यही नहीं रुकी, उसने अपने सैनिकों की जांबाजी का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें यूक्रेन के फौजी दुश्मन से लोहा लेते नजर आए। रूसी सेना को वो कहीं हथियारों के दम पर निशाना बनाते दिखे, तो कहीं बमबारी करके, और कहीं दुश्मन को अपने घर में घेर कर उन्होंने धूल चटाने की कोशिश की। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि अलग अलग शहरों में जारी सीधी लड़ाई में उसकी सेना ने रूस की फौज को काफी नुकसान पहुंचाया। अपने दावों को सही ठहराने के लिए उसने कुछ वीडियो भी जारी किए, जिनमें एक वीडियो में रूस के एक सैन्य ठिकाने पर रात के वक्त भारी बमबारी होती दिखाई दी, जिसके बाद वहां से आग के शोले और धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आया। इतना ही नहीं, वहां का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह आग की लपटों में घिरा दिखा। यूक्रेन का दावा है कि इस जवाबी हमले में रूसी सेना के हथियारों का गोदाम जलकर राख हो गया। वहीं दूसरे वीडियो में एक रूसी टैंक जलता दिखा, जबकि लड़ाई में तहस नहस हो चुके कुछ रूसी टैंक वहां वीरान पड़े नजर आए। दावा किया गया कि वहां हुई सीधी जंग में रूस के सैनिकों को यूक्रेन के फौजियों ने मात दे दी, जिसके बाद वो लोग टैंक छोड़कर भाग गए। उधर यूक्रेन पर होते ताबड़तोड़ रूसी हमलों के खिलाफ वहां के कई लोगों ने हथियार उठा लिए। इस लिस्ट में एक नाम वहां के रॉकस्टार एंड्री का भी जुड़ गया है। उन्होंने रूस के खिलाफ जंग में अपने देश की सेना के साथ देने का ऐलान किया है और गिटार छोड़कर बंदूक उठा ली, जिसके बाद इंटरनेट पर उनका सेना की वर्दी में गाना गाते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया। एंड्री ने बताया कि उन्होंने ये फैसला कीव की दर्दनाक स्थिति को देख कर लिया, यहाँ तक कि 42 साल के इस कलाकार ने अपने देश के लिए कई कॉन्सर्ट तक रद्द कर दिए। उन्हें मार्च महीने में 25 दिनों के अंदर 4 देशों में 10 कॉन्सर्ट करने थे, मगर उन्होंने कीव के लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। वहीं रूसी हमलों में जान गंवाने वाले बच्चों की मौत पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस को आड़े हाथों लिया और उन्होंने आरोप लगाया कि रूसी बमबारी की वजह से यूक्रेन में 115 बच्चों की मौत हो गई, जिनसे चारों तरफ मातम छा गया। कुछ जगहों पर तो बच्चों की मौत से उनके घर वाले एकदम टूट गए और फिर ना वो कुछ कह पाए ना सुन पाए।
इन हमलों में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत रूस की जनता से भी सवाल किया। नास माये значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок। यूक्रेन में रूसी हमले से हुई बच्चों की मौत का वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसके बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने ही देश में मौजूद रूस का समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता को रद्द करने का फैसला किया। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन देश विरोधी किसी भी विचारधारा को कतई सहन नहीं करेगा, और इसलिए वो राजनीतिक पार्टियां जो रूस की दमनकारी विचारधारा से ताल्लुक रखती हैं उनकी मान्यता रद्द की जाती है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के इस फैसले की वजह से यूक्रेन की 11 राजनीतिक पार्टियों की सदस्यता वहां की सुरक्षा परिषद ने रद्द कर दी। впевнений, ви розумієте, що переговори не є простими і приємними, але вони необхідні, бо це про життя. इसके साथ ही राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर शांति की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि वो रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। समझौते किसी के लिए भी आसान नहीं, लेकिन बात जब जान पर बनाए तो फैसला और कड़ा हो जाता है। वहीं रूस को यूक्रेन से जोड़ने वाले रेलवे पुल को यूक्रेन की सेना ने उड़ा दिया। यूक्रेन का दावा है कि इस रास्ते रूस लगातार यूक्रेन में मौजूद अपनी सेना को हथियार भेज रहा था, इसलिए उसने पुल को ही ध्वस्त कर रूस के सप्लाई चेन को काट दिया, जिसका एक वीडियो खुद यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें रेलवे पुल को गिराने के लिए एक साथ दो बड़े धमाके होते दिखाई दिए। धमाके इतने जोरदार थे कि कई किलोमीटर दूर तक भी उनकी आवाज सुनाई दी, और ब्लास्ट के बाद वहां से काफी ऊंचाई तक आग की लपटों के साथ धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। इससे पहले यूक्रेन के कुछ फौजी उस रेलवे पुल के नीचे बम फिट करते दिखाई दिए, इसके बाद उसे डेटोनेटर की मदद से उड़ा दिया गया, जिससे पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस रेलवे पुल को धमाकों के जरिए उड़ाकर उसने रूसी सेना को मिलने वाली रूस से मदद के रास्ते को बंद कर दिया। उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसकी सेना ने ज़ापोरिज़िया में रूस के 60 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों और KA-52 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। पिछले कुछ दिनों से ज़ापोरिज़िया पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है, और आसमान से इतनी भयानक बमबारी की गई कि पूरा शहर तबाह हो गया। लेकिन इन हमलों के बाद भी यूक्रेन की सेना डटी रही। दावा है कि उसने भी रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर को हवा में मार गिराया, और जब वो नीचे गिरा तो उसके परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद यूक्रेन के कुछ सैनिक हालात का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचे, जहां यूक्रेन की फौज ने जवाबी कार्रवाई की, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें युद्ध के मैदान पर तबाही की निशानियां नजर आईं। क्यू पर रूस की सेना का हमला लगातार जारी है। रूसी हमले की वजह से क्यू में भारी तबाही, इमारतों को नुकसान पहुंचा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पे बाहर निकालकर पहुंचाया जा रहा है। ये हम राजधानी क्यू की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और इसके रिहायशी इलाके में खूब बमबारी हुई है। आप देखिए ये बर्बादी की वो तस्वीरें जहाँ पे कई इमारत अभी भी पहले जैसे, लेकिन कई इमारत जमींदोज हो चुके हैं। ये हम आपको राजधानी क्यू की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोशिश रूसी सेना की यही है कि हर हाल में हम क्यू के जरिए तख्ता पलट कर लें, लेकिन यूक्रेनी सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है बीते 26 दिन से, और वो किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं।